आप इन कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपके घर में वो प्रोडक्ट है। आप ज्यादातर लोग ये सब इतना सब कुछ नहीं जान पड़ताल करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि शेयर सस्ता है कि नहीं। आप अपने घर में हर सुबह प्रीटेक्ट डीमेट अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं? डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? हमें डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवाना चाहिए या नहीं? अगर आप पहली बार डीमेट अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहला सवाल कि डीमेट अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। देखो भाई, डीमेट अकाउंट खोलना बहुत आसान काम हो गया है आज के समय में। आप प्ले स्टोर पे आपको काफी सारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगी, मेरा मतलब है यार बहुत हद से ज्यादा भरी हुई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आपको उन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है जो कि भाई टॉप 3 या टॉप 5 में हो, ठीक है। आप जो भी चाहें, जो भी मर्जी चाहें उसको चॉइस कर सकते हैं, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसी को चॉइस करें, ठीक है। आप उस प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करके वहां पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, आधार कार्ड और पैन कार्ड। दूसरा, बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी कि आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई मुझे तो उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास ये तीनों चीजें तो होंगी, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना सब कुछ सबमिट करने के बाद आपको लास्ट में करना होता है केवाईसी। केवाईसी करने के बाद आपका डीमैट अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। तो भाई डीमैट अकाउंट दो तरीके से खोले जाते हैं। पहला है बिल्कुल फ्री, यानी कि बिल्कुल फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुल के बन जाएगा, और दूसरा है पैसा देकर के आपको डीमैट अकाउंट दिया जाएगा। तो भाई अभी के टाइम में मार्केट में काफी सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि भाई आपको डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खोल के देते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री में। मार्केट में ऐसे भी प्लेटफॉर्म, ऐसे भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि भाई पैसा देकर के आपका डीमैट अकाउंट रेडी करके देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि फर्क आ जाता है। वो है कि देखो भाई, अगर आप पैसा देकर के डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो तो वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले आपको कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जहां आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं वहां आपको ये फैसिलिटी नहीं देखने को मिलती। तो भाई अगर आपके पास कम बैलेंस है यानी कि कम पैसा है तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप फ्री में ही डीमैट अकाउंट खुलवाएं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास ठीक ठाक बैलेंस है यानी कि मतलब भर का पैसा है तो पैसे देकर ही डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। भाई आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है, लेकिन अब आपको वो गलती नहीं करनी है जो कि भाई बाकी सब कोई करता है, ठीक है। बाकी सबको क्या कहता है कि उनका फटाक से डीमैट अकाउंट ओपन हुआ, वो कोई ऐसे सस्ते स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो कि भाई 20-30 रुपए या 50 रुपए के अंदर में होता है। वो लोग सोचते हैं कि मैं इसको खरीद लूं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और इसको खरीदने के बाद ये एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद ये डबल हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टॉक्स के शेयर खरीदना चाहते हो ना, शेयर खरीदना चाहते हो ना, तो उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ती है, फंडामेंटल चेक्स करने पड़ते हैं कि ये कंपनी आगे ग्रोथ करेगी या नहीं। इन सभी चीजों को करने के बाद ही आपको उन शेयर्स को खरीदना चाहिए। लेकिन भाई ज्यादातर लोग ये सब इतना सब कुछ नहीं जान पड़ताल करते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं शेयर सस्ता है कि नहीं। वो लोग अगर सस्ता ढूंढ लेते हैं, पा जाते हैं, तो उसको एक बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। जैसे 100 शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो ऐसे शेयर ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें उन लोगों के पैसे डूब जाते हैं। और भाई ये हकीकत भी है। इसीलिए देखो भाई, आप ट्रेडिंग में अभी नए नए आए हो, आपको स्टॉक्स और शेयर के बारे में थोड़ा जानकारी हुई है, तो आप पहले डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद पहला काम आपको यही करना है कि आपको इन्वेस्टिंग ही करनी है, ठीक है। आपको शेयर खरीद के रखना है, बाय और सेलिंग और ये इंट्राडे इन सभी चीजों में नहीं पड़ना है। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग ही करना है, ठीक है। और इन्वेस्टिंग भी आपको वैसी कंपनी में करना है जिन्हें कि आप जानते हो, जिन्हें कि आप डेली मिलते हो। ऐसी कंपनी से आपको ट्रेडिंग करना है, ऐसी कंपनीज के आपको शेयर खरीदने हैं जिनके प्रोडक्ट आप यूज करते हो डे टू डे लाइफ में। यार हर रोज आप उन चीजों, उन कंपनियों के सामान को यूज करते हो। मैं वैसी कंपनियों की लिस्ट बना के तैयार किया हूं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और भाई उस लिस्ट को देखने के बाद आप भी यही बोलोगे कि यार इस शेयर यानी कि इस कंपनियों को तो मैं जानता हूं, यार ये कंपनी का शेयर घट बढ़ सकता है लेकिन ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, इसका मतलब हमारा एक भी पैसा बर्बाद नहीं होगा। आपके घर में कोई ना कोई गाड़ी होगी, जैसे हीरो की होगी, बजाज की होगी, ठीक है, आपको इन्हीं दोनों के शेयर खरीद लो। यार क्या है, आप इन कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपके घर में वो प्रोडक्ट है, आप इन कंपनी को जानते ही होगे। इन कंपनी के आप शेयर खरीदो, ठीक है, सस्ते शेयर के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। बजाज खरीदो, हीरो खरीदो, इनके आप इनके घर में आपकी इस कंपनी की आपके घर में गाड़ी होगी। यार आप अपने घर में हर सुबह ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट खाते हो, ब्रिटानिया कंपनी का ब्रेड खाते हो, तो यार ब्रिटानिया कंपनी का तो आप जानते हो ना, ब्रिटानिया कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए आपको। उसके बाद आता है हमारा, देखो भाई आपके पास गाड़ी होगी तो आप अपने गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाते हो, तो फिर पेट्रोल स्टेशन भी तो कोई किसी न किसी कंपनी का होगा, जैसे एचपी का होगा, एचपी पेट्रोलियम करके होगा, भारत पेट्रोलियम करके होगा, तो इनके शेयर आप खरीद सकते हो क्योंकि इन कंपनी को आप जानते हो भाई, डेली देखते हो, तो आपको पता है कि इन कंपनी के शेयर घट बढ़ सकते हैं लेकिन ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली, तो आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, ये बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद आप अपने जीवन भर की कमाई को एक जगह पर रखते हो, उसे कहते हैं बैंक। भाई बैंक की कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, आपका जिस भी बैंक अकाउंट में खाता है ना, आप उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका HDFC बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, ICICI बैंक में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में है, जिस भी बैंक में आपका खाता हो आप उस कंपनी के शेयर खरीद को रख सकते हो,
क्योंकि भाई आप इन कंपनियों को जानते हो। उसके बाद आता है डाबर। देखो भाई डाबर कंपनी का शहद भी आता है, डाबर कंपनी का तेल भी आता है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनके भाई प्रोडक्ट आप डे टू डे लाइफ में यानी कि हर रोज अपने घर में इस्तेमाल करते हो, और आपको ज्यादातर इन्हीं कंपनी के शेयर्स को खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि भाई इन कंपनियों को आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, ये आपकी नजरों के सामने है। और जब आप इनके शेयर्स को खरीद के रख लोगे ना, तो ये मैं लिख के देता हूं, जब आप इनके आप शेयर्स को खरीद के रख लोगे ना, तब आपको दिमाग में एक कीड़ा आ जाएगा कि यार आज देखते हैं कि इसका प्राइस घटा है कि बढ़ा है। ठीक है, आप ये काम डेली करने लगोगे। आप जब इनके स्टॉक्स खरीद के रखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हर रोज अपने जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा, आप उसमें जरूर चेक करोगे कि आज इस शेयर का प्राइस बढ़ा है कि नहीं, इस शेयर का प्राइस घटा है कि नहीं। ठीक है, आप ये चीज जरूर चेक करोगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।